वैष्णो धाम की भूमि खंडेला के सीकर जिले के नीम के थाना जिले के और इस शेखावटी की महान भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, खेती किसानी करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं सबसे पहले सीकर जिले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी कमेटी को, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी कमेटी के सभी सदस्यों को और आप सबके प्रिय विधायक, 6 बार तो ऑलरेडी विधायक हो गए हैं तो इस बात से इनकी लोकप्रियता का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। आप सबके प्रिय विधायक आदरणीय श्री महादेव सिंह खंडेला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे शेखावटी की इस महान भूमि पर, वीरों, योद्धाओं, बलिदानियों और शहीदों की इस भूमि पर आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपका, आप सबका जो यहाँ मौजूद हैं और अपने घरों में बैठे हैं या मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप सब लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा शानदार संयोग है। मेरा नाम कन्हैया है और ये खाटू श्याम की धरती है, भूमि है। ये बड़ा शानदार संयोग है कि हमको शेखावटी के इलाके में आने का मौका मिला, सीकर आने का मौका मिला है, खंडेला आने का मौका मिला है, जहाँ राजस्थान के तमाम मशहूर तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो सालासर बालाजी का स्थान हो, जिन माता का स्थान हो, चामुंडी माता जी का स्थान हो, तमाम स्थान इस इलाके में मौजूद हैं। तो ये अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि चुनाव के मौके पर ही सही यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ है और आप सबसे रूबरू होने का, नज़रें मिलाने का और दो चार दिल की बात करने का अवसर प्रदान हुआ है। और मैं दिल की बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, इसीलिए मैं मन की बात नहीं करता हूँ। साथियों, हमसे पहले पूर्व के कई सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और मुझे जो सबसे आश्चर्यजनक भी और शानदार भी जो बात लगी वो ये कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी सबको राम राम सा कह रहे थे। मैं कहता हूं कि ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत चीज है कि मेरा नाम कन्हैया है और मैं रब की बात करूं, खुदा की बात करूं, और आपका नाम मोहम्मद है और आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें। ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है और मैं समझता हूं कि यही हमारी ताकत भी है। कल एक क्रिकेट मैच हुआ था, बहुत दुख है, पूरा देश को दुख है कि हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन आपने उस टीम को देखा है, अगर रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैटिंग करें तो मोहम्मद शमी को बहुत अच्छा बॉलिंग करना पड़ता है। ये जो टीम की ताकत है, यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही भारत की ताकत है और भारत का इतिहास भी यही है। भारत का इतिहास ये है कि हिंदुओं के मंदिरों में बजने वाला वो गाना जिसमें कहते हैं मन तरपत हरि दर्शन को, आज इस मन तरपत हरि दर्शन को, आज यह गाना बैजू बावरा फिल्म का है, जिसको लिखा एक मुसलमान ने, जिसका म्यूजिक दिया एक मुसलमान ने और जिसको गाया एक मुसलमान ने। यह है भारत की ताकत। भारत की ताकत यह है कि बनारस के 80 घाट पर जब
शुरू होती थी तो बिस्मिल्ला खान की सहनाई से शुरू होती थी। ये भारत की ताकत, भारत की ताकत ये है कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो जय हिंद का नारा है, वो कोई कौमी नारा नहीं है। भारत की ताकत ये है कि इस मिट्टी पे रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, चाहे किसी भी समुदाय के हों, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी ईश्वर की पूजा करते हों, किसी भी अल्लाह की इबादत करते हों, 140 करोड़ लोग जो इस मिट्टी पर रहते हैं, चाहे वो तिलक लगाते हैं या टोपी लगाते हैं या पगड़ी धारण करते हैं, या देश सबका था, है और रहेगा। और भारत की जो ये ताकत है, इस ताकत के बदौलत हमने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को नस्ते नाबूद किया। भारत की ताकत ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह, सब हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। यह है भारत की ताकत। यह है भारत की ताकत कि आज जो लोग कहते थे कि गोडसे बहुत अच्छा है, वो भी गांधी के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं। यह है भारत की ताकत। जमाने में कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय, वह भी आजकल कह रहे हैं भारत माता की जय। यह है भारत की ताकत कि भारत के भीतर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, जिस संविधान की ताकत यह है कि अगर हेलीकॉप्टर वाले का वोट एक है तो पैदल चलने वाले का भी वोट एक है। यह है भारत की ताकत कि महल में रहने वाले का भी वोट एक है तो झोपड़ी में रहने वाले का भी एक है। यह है भारत की ताकत। और यह जो भारत की ताकत है, इस भारत की ताकत को कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। भारत की शक्ति को लूट करके देश के नाम पे अपने दोस्त की तिजोरी भरना चाहते हैं। इसीलिए हमको यह खेल समझना पड़ेगा, हमको यह खेल समझना पड़ेगा कि विक्टोरिया माता की जय जो कह रहे हैं, जिनका विक्टोरिया माता की जय कहने का इतिहास है, वो आजकल अगर देश की बात बोल रहे हैं तो इसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि तिलक जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी में तो इनका कोई योगदान था नहीं, आजादी में परिवार के लोगों ने सालों जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी आजादी को प्राप्त कर सके, तो संविधान सभा में बैठे हुए कुछ लोग जो आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप गरीबों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप दलितों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप पिछड़ों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त भी राजे राजवारों की गुलामी कर रहे थे और आज भी बेईमानों और दलालों की गुलामी कर रहे हैं। इस देश में जो लोकतंत्र की ताकत है, जो जमहूरियत की शक्ति है, उस शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए जब आज 5 साल के बाद राजस्थान में चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव का मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को हमको समझना पड़ेगा। और मैं अलग अलग राज्यों से घूमते हुए राजस्थान की महान बलिदानी भूमि पे आया हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, नोट करके इस बात को रख लीजिए, ना मिजोरम में भाजपा की सरकार बन रही है, ना तेलंगाना में भाजपा की सरकार बन रही है, ना मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, ना छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। अगर आपने चाहा तो राजस्थान में भी परिपाटी बदलेगी, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और यह परिपाटी बदलना क्यों जरूरी है? यह परिपाटी बदलना इसलिए जरूरी है
कि पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है, पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है कि अगर राजस्थान में आप फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो इस सरकार बनने का मतलब यह है कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। यह इस बात की जीत होगी, यह इस बात की जीत होगी कि सिर्फ अमीरों के इलाज नहीं होंगे। अमीरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमीरों से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे गरीबों से बहुत मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह देश अमीरों का नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये कहता हूं कि यह देश जितना अमीरों का है उतना ही यह देश गरीबों का भी है। मेरा सीधा सवाल है, आप 6 बार के MLA हैं साहब, पेंशन मिलता है ना आपको? और पीछे सिपाही जो हमारी ड्यूटी में खड़ा है उसको भी पेंशन मिलना चाहिए ना? अगर सरकारी MLA को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मुख्यमंत्री को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो सरकारी शिक्षक को क्यों नहीं पेंशन मिलना चाहिए? फौज की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? पुलिस की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? देश सबका है ना, यह देश जितना अमीरों का है उतना ही अगर गरीबों का है, अगर अमीर का वोट भी एक है गरीब का वोट भी एक है तो सारे अधिकार सिर्फ अमीरों को क्यों दिए जाएंगे? यह हमारा सवाल है। हमारा यह सवाल है कि हमारे टैक्स के पैसे से, जया शाह का बाप अपने बाप का पैसा नहीं देता है देश को, तो देश का पैसा है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, अगर इस देश के नेताओं के रहने के लिए 20,000 करोड़ के घर बनाए जा सकते हैं, तो इस देश के आम आवाम के लिए भी आपको स्कूल बनाना पड़ेगा, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, आपको सड़कें बनानी पड़ेगी, आपको आम लोगों को भी पेंशन देना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। राजस्थान ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है, पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है, और यह पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप आजाद भारत के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो राजस्थान वो भूमि है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। राजस्थान वो भूमि है जहां सबसे पहले सूचना के अधिकार के कानून को लागू किया गया था। राजस्थान वो प्रदेश है जहां सबसे पहले मनरेगा को लागू किया गया। इसीलिए हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है, हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, है और सबका रहेगा। इसलिए यह सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर आप अमीरों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है कि अगर मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जा सकता है तो इस देश के साधारण परिवार लोगों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। सीधी सी बात है। अरे सब तो लोग गृह मंत्री नहीं है ना कि उसका बेटा बिना अंग्रेजी पढ़े ही BCCI का सेक्रेटरी बन जाएगा। अरे आम परिवार के बच्चों को तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। और कंप्यूटर की बात कर रहे थे तो अभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कह रहे थे कि LED लगा दिए हैं। लगाए हैं क्या? सच बोलिए, लगाए हैं ना? तो लगाए हैं तो फिर वोट दे दीजिए ना। अरे कौन सा हम मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं ना? और सच बोल रहे हैं तो सच, सच का क्या मतलब होता है? सच का मतलब होता है जिसको आप कर, जिसका सामना आप खुद करते हैं, आप ही से पूछ लेते हैं। 5 सवाल हम भाजपा का पूछेंगे और 5 सवाल हम कांग्रेस का पूछेंगे। अगर भाजपा ने वो 5 काम किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा ने वो 5 काम नहीं किया है और जो 5 काम हमने कहा है, अगर वो 5 काम हमने किया है तब तो हमको हमारी मजदूरी का मेहनताना तो मिलना चाहिए ना साहब। अगर 5 साल हमने आपकी मजदूरी की है, आपकी सेवा की है, तो मजदूरी तो दीजिएगा ना।
मजदूरी नहीं देंगे तो फिर राजनीति में क्या संदेश जाएगा, राजनीति में क्या मैसेज जाएगा? अगर लोगों को यही लग जाएगा कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलनी है तो कोई सरकार काम ही नहीं करेगी। तो आप ही से मैं पूछ लेता हूं, बताइए आपके खाते में 15 लाख रुपया आया है? 2 करोड़ नौकरी मिली है? महंगाई कम हुई है? किसानों का कर्जा माफ हुआ है? 2022 तक सबको पक्का मकान मिला है? बुलेट ट्रेन चला है? तो काहे मोदी मोदी कर रहे हैं? एक भी काम अगर हुआ तो मुझे समझ में आता। और आप बताइए क्या मनरेगा में राजस्थान में 90 लाख लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? चिरंजीवी हुई है? 500 रुपए में सिलेंडर मिला है? किसानों का कर्जा माफ हुआ है? तो फिर काहे नहीं वोट दीजिएगा? और जब वोटर है, जनता आप है, आपके वोट से ही कोई अर्श से फर्श पे जाता है, कोई फर्श से अर्श पर जाता है, आपके ही वोट से कोई प्रधानी करते करते विधायक और मंत्री बन जाता है। प्रधान ही तो बने थे ये जब एमए पास करके आए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो इनको विधायक कौन बनाया? खंडेला के लोगों ने बनाया ना। इनको एमपी कौन बनाया? सीकर के लोगों ने बनाया। तो आपके वोट से ही अगर सब कुछ तय होना है तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाएगी? बताइए, जब वोटर आप हैं, वोट आपको देना है, जरूरत आपकी है, भविष्य आपकी पीढ़ी का है, सवाल आपके जीवन का है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का, तो फिर दूसरे पार्टी की सरकार कैसे बन जाएगी? हकीकत जानते हैं क्या है? हकीकत ये है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई एजेंडा नहीं। हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई चेहरा नहीं है। हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई चाल नहीं है, चरित्र नहीं है, चेहरा नहीं है। और इसीलिए भाजपा इस भरोसे है कि हर 5 साल में सरकार तो बदलती ही है, तो इस साल भी बदल जाएगी। साहब, इस बार राजस्थान में सरकार नहीं बदलेगी, इतिहास बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा। और वो इतिहास किसको बनाना होगा? वो इतिहास बनाना होगा राजस्थान के आम लोगों को। जैसे इतिहास आपने बनाया राजस्थान में 90 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार देकर के, जैसे इतिहास आपने बनाया 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देकर के, जैसे इतिहास आपने बनाया 1 करोड़ लोगों को वृद्धा पेंशन देकर के, जैसे इतिहास आपने बनाया चिरंजीवी योजना को लागू करके, जैसे इतिहास आपने बनाया गृह लक्ष्मी योजना को लागू की गारंटी करने को लेकर के, वो इतिहास आपको बनाना पड़ेगा। बोलिए, वो इतिहास आप बनाने के लिए तैयार हैं? अगर वो इतिहास आप बनाने के लिए तैयार हैं तो इस इतिहास बनाने की जरूरत क्या है, इस पे 2-4 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आज की तारीख में भाजपा के पास हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, उनकी सरकार और कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक भाषण में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात करती है। बताइए, कांग्रेस जात पात करती है? कांग्रेस ने कहा है कि हम गृह लक्ष्मी योजना इस जात को देंगे, उस जात को नहीं देंगे? कांग्रेस ने कहा है कि हम गोधन गारंटी इस जात को देंगे, उस जात को नहीं देंगे? कांग्रेस ने कहा है कि हम चिरंजीवी योजना इस धर्म को देंगे, उस धर्म को नहीं देंगे? हमारी कोई भी योजना किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान की एक एक जनता और एक एक आवाम के लिए है। ये आरोप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? कहते हैं ना, जब कहने के लिए कोई अच्छी अच्छी बात नहीं होती है तो कुछ लोगों की फितरत होती है कुछ झूठी और बुरी बातें करने लगते हैं। ये जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं उसका एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की पार्टी दलित विरोधी है। 2 अप्रैल की घटना याद है?
याद है कि नहीं है? किसने झूठे मुकदमे लगाए? भाजपा के सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए। यहां भी भाजपा की सरकार थी, वहां भी भाजपा की सरकार थी, निर्दोष नौजवानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके जेलों में किसने डाला? भाजपा की सरकार ने डाला। और जिस व्यक्ति ने दलितों के ऊपर अत्याचार किया उसका टिकट श्री राहुल गांधी ने काट दिया और भाजपा ने कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। किस मुंह से इस बात को ये बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से आते हैं। और आपने देखा होगा कि आए दिन प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां निकालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या कांग्रेस की पूरी इतिहास को गाली देने के नाम पर देश को गालियां निकालते हुए पाए जाते हैं। और जब आप इनसे पूछिए कि इनका हकीकत क्या है तो ना इनके पास कोई चेहरा है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है। आजकल राजस्थान में ये जादूगर की जादूगिरी की फिरकी में उलझ गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आजकल इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा है। अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था कि गुंडागर्दी खत्म करेंगे और नीचे अमित शाह का फोटो लगा हुआ। स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे तो कई बार मास्टर जानते क्या करते हैं, जो सबसे बदमाश स्टूडेंट होता है, जो स्कूल रेगुलर नहीं आता है, पढ़ने लिखने में भारी बोगस होता है, कई बार उसको मॉनिटर बना देते हैं। उस पोस्टर को देख करके मेरे मन में यही ख्याल आया कि भाजपा के पास राजस्थान में बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। कहते हैं गुंडागर्दी खत्म करेंगे और नीचे जो है जया शाह के पापा का फोटो लगा देंगे। फिर मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक जगह एक और पोस्टर लगा हुआ था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। सीकर में हमारे साथ बहुत सारे सीकर के नौजवान हमारे साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। अभी जब मैं आया तो हमारा एक पुराना दोस्त मिला, अभी अभी जो है उसका रिजल्ट हुआ है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट आया था उसमें। तो उसने कहा कि तुम अभी भी घड़ी नहीं पहनते हो। हम बोले अच्छा दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन अच्छा दिन आ जाएगा उस दिन पहनना शुरू कर देंगे। पोस्टर जब मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, कब गुरुजी? 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। मुंह से ही बोले थे ना, अपने ही मुंह से बोले थे ना, आवाज वहीं से निकल रही थी ना, हर भाषण में जाकर के कह रहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कब कब देंगे। और आजकल जो है कुछ भाजपा के मुख्यमंत्री आए हैं विचरण करने के लिए राजस्थान। वैसे तो मेरी बड़ी इच्छा है कि इनको रणथंभौर भेज दिया जाए, थोड़ा सवाई माधोपुर भी घूम लें। भाषण दे रहे थे जयपुर में एक मुख्यमंत्री कि भाजपा की सरकार आएगी तो हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। क्यों? भाजपा की सरकार है, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं ना, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। बोलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उनको बना दे नरेंद्र मोदी को, तब 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। देना शुरू कर दे पूरे देश को 450 रुपए में सिलेंडर। देने लगे सबको चिरंजीवी योजना, लागू कर दे गौ लक्ष्मी धन। ये देंगे का क्या मतलब है? ये देंगे का मतलब ये है कि आप आसमान की तरफ टकटकी लगाए रखिए, अब रसगुल्ला गिरेगा और आपके मुंह में टपकेगा। जो हमारी सरकार बनेगी तो हम जो लागू नहीं कर पाए हैं उसको भी पक्का लागू करेंगे। और हमारे
आजकल मोदी जी को भी यह फितूर चढ़ा है। कहते हैं मोदी की गारंटी है, ज्यों ही वो ये बात कहते हैं त्यों ही हमको बड़ी जोर से हंसी आती है। सच कहते हैं माता जी, जो ही मोदी जी का कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है तो हम पेट पकड़ करके हंसने लगते हैं। अभी करवा चौथ हुआ था ना, करवा चौथ वो चलनी में चांद देखे होंगे, उसके बाद अपने स्वामी जी को देखे होंगे। एक महिला को इन्होंने गारंटी दी थी से अग्नि को साक्षी मान करके सात फेरा लेते हुए सात वचन दिया था, निभा क्या? तो जो उनका वचन नहीं निभाया, सालों से चलनी लेकर के इंतजार कर रही है, सूरत नहीं दिखाया है, वो आपका वचन निभाएंगे। ये आदमी झूठा है और झूठा को झूठा बोलेंगे। झूठ को झूठ कहेंगे, तुम्हारी बाजुओं में जितना ताकत है उसको हम देख लेंगे। और हम आपके बीच खड़ा होकर के जो वादे कर रहे हैं, ये वादे नहीं है सिर्फ, ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है, ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है, ये हमारी पार्टी का इतिहास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में गांधी नेहरू की विरासत नहीं होती, शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरासत नहीं होता, अगर इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बने होते, तो हमारे जैसे नौजवान किसी गैराज में किसी गाड़ी को ठीक कर रहे होते, किसी होटल में प्लेट साफ कर रहे होते। हमने अगर PhD की है, हमने अगर पढ़ाई की है, तो इस देश के स्कूल कॉलेज के बदौलत की है। अगर गरीबों का इलाज होता है तो एम्स के बदौलत होता है। अगर भारत आज चांद की ऊंचाइयों को छू रहा है तो इसरो की बदौलत छू रहा है, और ये सारा कुछ इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनाया हुआ है। और तो और, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ताकत देखिए साहब, कि मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हालांकि हम में से किसी ने भी उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा। हम में से बहुत सारे लोग उनको एयरपोर्ट बेचते हुए देख रहे हैं। जिस स्टेशन पे चाय बेचते हैं की बात करते हैं, वो स्टेशन बेचते हुए देख रहे हैं, भारतीय रेलवे को बेचते हुए देख रहे हैं। और हमने आपको कहा ना, कहते थे तिलक साहब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो आज के नेता हैं ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, चुनाव जीतने के बाद मैं तुमको एयरपोर्ट दूंगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भाजपा से, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मुझे बस इस देश की संस्कृति ने, इस देश की परंपरा ने, इस देश के धर्म ने, इस देश के इतिहास ने सच को सच बोलना सिखाया है। और उस सच की हकीकत क्या है वही मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूं, आप मुझे बता दीजिए। मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके मन में आता है कि नहीं आता है? मेरे मन में एक सिंपल सा सवाल आता है, कहती है सरकार कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन, हालांकि वो बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, हमारे देश का एक बिजनेसमैन दुनिया के 10 बिजनेसमैनों की सूची में शुमार हो गया है। जब हमारी अर्थव्यवस्था, माता जी सोचिएगा, जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है, तो हम लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में क्यों लगे हुए हैं? 80 करोड़ लोग, और ये मैं नहीं बोलता हूं, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो यह जो देश की सबसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है,
दुनिया की अर्थव्यवस्था जो सबसे मजबूत हुई है वो सारा रोकड़ा जा कहां रहा है, वो सारा धन कहां जा रहा है, सारी कहां जा रही है? रोज जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो पोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो सरकारी संस्थानों को रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो, ये सब कुछ जो बेचा जा रहा है वो किसके खजाने में पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जो प्रधानमंत्री का यार है। एक कहावत कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। ये बेईमानी ये है कि जैसे जादू देखने के लिए जाते हैं ना, ऐसे गिली 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 पम पम छू करेगा और डिब्बा गायब, वैसे ही इस देश को ये हिंदू मुसलमान में उलझा करके, जाति धर्म में उलझा करके, नफरत की आग फैला करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आपस में बांटते हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाते हैं। और जो जो इस पर सवाल उठाता है उसके घर पे ईडी आ जाती है। मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूं सर, आपके घर पे जिन्हें ईडी आए ना तो वो आना शुरू करे कि आप घर से निकल के कड़े रुक जाइए, हम अभी भाजपा ऑफिस जा रहे हैं, तुरंत वापस चला जाए। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, आप कभी मन में सोचते हैं जिनके खिलाफ ये गालियां निकालते हैं, जिनके लिए ये सवाल उठाते हैं, जिनके खिलाफ ये मुकदमे करते हैं, जिनको पता नहीं ये क्या क्या कहते हैं, जो मन में आता है सो कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं, हिंदू विरोधी कहते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं, संस्कृति विरोधी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और जो ही वही आदमी वही इंसान भाजपा में चला जाता है तो आरती करने लगे, ओम जय जगदीश हरे। तो कैसे होता है साहब ये बेईमानी, आप समझिए। जैसे मेरे खिलाफ ये बहुत बोलते हैं, मैंने तो इनको कह दिया है ए भाजपा वालों संभल करके, मेरे खिलाफ अगर ज्यादा बोले और जो हम अमित शाह को फोन कर दिए तो तुरंत तुमको हमको मौसा मौसा बोलना पड़ेगा। हालत देख रहे हैं, मुझे तो कई बार जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं पे भी दया आती है। मेरे कुछ लोग हैं जानने वाले भाजपा में और कुछ नए नए भी आजकल जा रहे हैं, मैंने उनको पूछा राजस्थान में, अच्छा सच बताओ क्या अशोक जी की सरकार ने राजस्थान की आवाम के लिए काम किया है कि नहीं किया है? बोला ईमानदारी से बताता हूं भाई, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनता के लिए बहुत काम किया है। तो हम बोले फिर तुम लोग भाजपा का झंडा लेकर के क्यों घूम रहे हो? जब अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता के लिए काम किया है तो तुम भाजपा का झंडा लेकर के क्यों घूम रहे हो? बोला डर लगता है, पता नहीं कब जेल जाना पड़े, कब ईडी हमारे घर पे आ जाए। मेरे एक दोस्त का मिठाई का दुकान है जयपुर में, हम गए उसके पास, पुराना दोस्त है, तो भाजपा का झंडा लगाए हुए थे। हम बोले अजीब आदमी हो यार, तुमको सारा फायदा मिल रहा है कांग्रेस की सरकार से और झंडा भाजपा का लगाए हुए हो? बोला धोखा देने के लिए लगा। हम बोले क्यों? बोला कि झंडा देख देख करके ना फूड इंस्पेक्टर नहीं आता। हम बोले गजब का ट्रिक है भाई। तो इसीलिए हम आपको भी बोले सर, इनकम टैक्स ईडी जहां आपकी घर की तरफ आने लगे कि आप फटाफट बाहर घर से निकलते कहिए हम तुरंत बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं, वो तुरंत लौट जाएगा। ये इस देश में हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र को इन्होंने अपनी गिरवी बना रखी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि राजस्थान के लोगों को सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेने की जरूरत है। अगर अगर ये सारी योजना लागू करने के बावजूद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, अगर ये सारी योजना लागू करने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार की है तो हमारे जैसे लड़ने वाले नौजवानों का हिम्मत टूट जाएगा। इसीलिए आप माताओं बहनों से हम अपील करेंगे, क्या है हमारे पास? हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, सच की ताकत है। उस सच की ताकत से आप तमाम लोगों के नमक अदायगी का हिम्मत है हमारे अंदर। कहां से हमने पढ़ाई की है? हमने पढ़ाई की है आपके टैक्स के पैसे से,
हमको डिग्री मिली है आपके टैक्स के पैसे से, हमने आपका नमक खाया है इसलिए हम आपके बारे में सोचते हैं, वो अदानी का नमक खाए इसलिए वो अदानी के बारे में सोचते हैं। इसीलिए हम जैसे नौजवानों के लिए राजस्थान से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद है कि राजस्थान से इस देश की राजनीति बदलेगी और राजस्थान से इस देश की राजनीति बदलने की शुरुआत भी हो गई है। आप देखिए कि आप तमाम खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं कि लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं क्या कांस्टेबल जी उधर भीड़ में कोई फोटो नहीं खींचेगा, मुख्यमंत्री से गुस्सा है, सरकारी कर्मचारी से वोट दे दिया है ना 90 की 99 देख रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपना काम करना है, राजस्थान के किसानों को करना है, नौजवानों को करना है, अल्पसंख्यकों को करना है, दलितों को करना है, पिछड़ों को करना है, आदिवासियों को करना है, गरीबों को करना है, इस राजस्थान के जो आम आवाम है उनको करना है। और आप जब अपना काम करेंगे तो आप पिताजी चाहे कितना भी सूटकेस लेकर के जयपुर जोधपुर कर ले, कितना भी सूटकेस लेकर के अजमेर और वो जो है सवाई माधोपुर का चक्कर लगा ले, इस बार राजस्थान में उनकी एक नहीं चलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में आप सीकर के महान लोग, अच्छा एक बात और मैं बार बार कह रहा हूँ, सीकर के लोग, मुझे पता चला कि खंडेला गांव नीम के थाने में जाने वाला था, है ना? तो आप लोग जाना चाहते थे क्या? सीकर में ही रहना चाहते थे ना? आपको मालूम है आपको सीकर में कौन रखा है? जोर से बोलिए, बताइए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी आपकी सेवा में, कोई ऐसा गली नहीं है साहब। जब मैं यहां आ रहा था तो हर गली से घूमते हुए आया, कोई ऐसा गली नहीं है जहां पक्का सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो जनता की सेवा में दिन रात काम करता हो उसको आपका आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, आपका आशीर्वाद मिलना जरूरी है। इस लोकतंत्र के मॉडल को हमको जिताना पड़ेगा। बोलिए आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? तो हम आश्वस्त होकर के यहां से जाएं कि महादेव सिंह गारंटी के साथ सातवीं बार एमएलए बन करके आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आह्लादित होकर के, खुशी होकर के आप तमाम लोगों को, इस पवित्र भूमि के एक एक निवासियों को तहे दिल से अपनी शुक्रिया आते हुए, धन्यवाद कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय राजस्थान।